वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसके मोस्टली हमने सभी टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। इसका अपना एक टॉपिक, दो टॉपिक रहते हैं, जो एक टॉपिक है दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और एक अपना रहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम पहले डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? अब ये क्या है, जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है, हम इसको डेली लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं? तो थोड़े से हम इसके एग्जांपल्स पर, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसको देख सकते हो, उन पर अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे भाई हम चलते हैं, तो हम जमीन पर कैसे चल पाते हैं? ध्यान दे, जब हम चलते हैं तो अपना ये जो पैर होता है पीछे का, इस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं, अपने पैर से धरती को ऐसे प्रेस करते हैं पीछे की तरफ। तो इस तरह से जब आप इसको प्रेस करते हो, तो जब आप ऐसे चलते हो तो धरती के ऊपर आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया है। तो इसका जो रिएक्शन है वो अर्थ अपने को रिएक्शन देगी क्या, उसी जितने फोर्स से आपने इसको पीछे धकेला है उतने ही फोर्स का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको मिलेगा, जिसकी रिएक्शन की वजह से, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से आप धरती पर क्या कर पाते हो, चल पाते हो। लेकिन देखो, जहां पर केले का छिलका आ गया मान लेते हैं, तो केले का छिलके पे जब आपका पैर आता है तो आप फिसल के गिर क्यों जाते हो, जहां पर चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि जब आप केले की छिलके पर ऐसे पैर रखते हो तो आप धरती के ऊपर वो फोर्स लगा नहीं पाते हो, जिसकी रिएक्शन की वजह से आप चलने में आसानी फील करते हो, मीन्स चल पाते हो। तो जब वहां पर धरती के ऊपर एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन हमें नहीं मिल पाती है, तो हम चल नहीं पाते और हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। सेम केस होता है जहां पर चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी पर जहां पर पानी डला हो, और वहां पर अगर आप चलने की कोशिश करते हो, दौड़ने की कोशिश करते हो, तो वहां पर भी हम गिर जाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पर भी आप जो है, एक तो फ्रिक्शन कम हो गया है, वो रीजन भी हम आगे करेंगे, बट अब आप न्यूटन का थर्ड लॉ ही डिस्कस करें तो उसे कोरिलेट करके अगर हमें इसको बताएं, तो वहां पर आप एक्शन नहीं कर पाते हो, आप अपना फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पाते हो, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगी, रिएक्शन नहीं मिलेगी तो आप वहां पर चल नहीं पाते हैं, ठीक है? और दूसरा केस आप कैसे कह सकते, इसका और दूसरे केस आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हो? जैसे स्विमिंग पूल में जो तैराकी होता है वो तैरता है, तो स्विमर जो तैरता है तो वो क्या करता है, ऐसे दोनों हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो वाटर के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। अब वाटर क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जितने फोर्स से उसने वाटर को पीछे की तरफ धकेला है उतना ही फोर्स से वाटर उसको क्या करेगा, आगे की तरफ धकेल देगा, तो इसलिए वो इजीली पानी के अंदर तैर सकता है, ठीक है? और क्या केस ले सकते हो, और आप देखोगे कि जब बंदूक चलाते हैं तो उसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से कि भाई बंदूक को किस तरह से आपने चलाना है। क्यों? क्योंकि जब हम कंधे पर रख के इस तरह से बंदूक चला रहे होते हैं तो एकदम से वो बंदूक और बुलेट, पहले तो दोनों क्या है, रेस्ट में है, लेकिन बुलेट ने क्या काम किया, बुलेट एकदम तेज स्पीड से आगे की तरफ चलती है, तो जिस फोर्स से बुलेट आगे की तरफ गई है उतने फोर्स से अब गन क्या करेगी, पीछे की तरफ आएगी। अब अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बंदूक चलाने का, तो वो एकदम से इतने, अगर भारी बंदूक है और वो अगर आपने कंधे पर कैसे चलाई है, तो वो बंदूक अगर पीछे की तरफ जाएगी तो वो वहां से हमारे कंधे को भी क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है? तो इसलिए ये भी केस जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुलेट ने अगर आगे की तरफ फोर्स लगाया है तो गन क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी उसी फोर्स के साथ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? और इसके आप क्या केस डिस्कस कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा नदी में या फिर कोई झील वगैरह होती है, तो वहां पे जो बोट चलाते हैं तो वो क्या करता है, जो सेलर होता है, जो नाविक होता है, वो क्या करता है, उससे सेल्स की हेल्प से वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है। तो जब वो वाटर को पीछे की तरफ धकेला तो वाटर उसको क्या करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा, ठीक है? जिस फोर्स के साथ उसने वाटर को पीछे की तरफ धकेला है उतने ही फोर्स से वाटर क्या करेगा, उसको आगे की तरफ धकेलेगा, ठीक है? और केस आप इसके क्या डिस्कस कर सकते हो, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वाले आते हैं,
जाते हैं, कहीं पर भी एकदम सडनली भारी किसी बड़ी बिल्डिंग में किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत तेज स्पीड से वाटर का जो फ्लो होता है तो वो पाइप से उस वाटर को स्प्रिंकल करते हैं कहां पर, जहां पर आग लगी है। तो जो पाइप उन्होंने पकड़ रखा होता बेटे, उस पाइप में से बहुत तेज स्पीड से वाटर आ रहा होता है, बहुत तेज स्पीड से अगर वाटर आ रहा है तो वो वाटर क्या कर रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वाटर आगे आगे जा रहा है, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जिस फोर्स से वाटर आगे की तरफ आया है उसी फोर्स से वो पाइप क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो इसलिए उसको भी हमें बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के वहां पे उस वाटर को स्प्रिंकल करवाना पड़ता है, वहां पर उसको बिखराना पड़ता है जहां पर आग लगी है मिनिस्टर से। तो यहाँ पर भी पूरा एक्सपीरियंस हमें चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि वहां पे उसको बहुत अच्छे से आपने जहां जहां जिस एरिया पर आपकी आग लगी वहां भी हैंडल करना है, और उस जो पाइप है वो पीछे की तरफ जा रहा है उसको भी वहां पीछे जाने से हमें रोकना होता है। तो वहां पर भी आप इसका केस लगा सकते हो। तो हमें इसका अगर एप्लीकेशन हम इसकी कहें कि कहां कहां पर न्यूटन के थर्ड लॉ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो वॉकिंग के केस में जब हम चलते हैं वहां पर, और रिकॉइलिंग ऑफ गन में हमने क्या सीखा था, मींस जिस फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाती है उसी फोर्स से गन क्या आएगी, पीछे की तरफ आएगी। और क्या लिख सकते हो, द केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो हमने केस स्टडी किया था। और इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, और हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे स्विमिंग वाला केस डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन दो चार केस बताने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका कि कहां पर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद अपना एक और टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम क्या कहता है बेटे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मींस उसका जो इनिशियल सिचुएशन में जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर होगा किसके, फाइनल लीनियर मोमेंटम के। जैसे मैं ये कह लूं कि दो बॉडी है वो आपस में टकराई है, तो टकराने से पहले उसका कुछ मास है उसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ मास है इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो दोनों का कुछ इनिशियल मोमेंटम है। अब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में चेंज आया है, वो तेज स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने या कम स्पीड हुई है, तो बाद में जो उनका टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा किसके, इनिशियल लीनियर मोमेंटम के। तो इसके अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम of a body remains conserved, that is total initial linear momentum is equal to final linear momentum, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। तो इस बात को जो हमने अभी लिखी है उसको हम क्या करेंगे, अभी प्रूव करके दिखाएंगे, मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। तो इसके मैथमेटिकल प्रूव में हम क्या करके चलेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है बहुत ही आसान सा, उसको लेके चलते हैं। क्या है ये, अब हम करेंगे प्रूव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रूव करके दिखाएंगे हम। तो हमने क्या किया, ये दो बॉडी कंसीडर कर ली, एक बॉडी ये मान ली, एक बॉडी ये मान ली, इसका मास हमने मान लिया m1 है, इसका मास हमने मान लिया m2 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान ली हमने u1 है, इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v1 है, ठीक।
अब इसकी यू1 है, इसकी वी1 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे थोड़ी देर बाद, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद ये दोनों में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। क्या हो गया है? कोलिजन। तो ये सिचुएशन आपकी क्या, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। यहाँ पे इन दोनों में क्या हुआ, टकराव हुआ है, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है। फिर क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद हमने मान लिया, ये थोड़ी छोटी छोटी सी बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, बॉल को, हमने मान लिया ये इस साइड आ गया, इसकी वेलोसिटी होगी v2 m2 की, और ये इस साइड चला गया मान लेते हैं, ये कौन है m1, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी है u2 हो गई, ठीक है भाई। तो क्या होगा, चाहे ऐसे कर लेते हैं, हमेशा हम इनिशियल के लिए ना u को प्रेफरेंस देते हैं और फाइनल के लिए v को। तो इसको हमने ये मान लिया v1 v2 अपनी फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की, u1 u2 क्या मान ली, इनिशियल वेलोसिटी होगी। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप वो भी कंसीडर करोगे, बट जनरली केस में हम u को क्या मान के चलते हैं, इनिशियल का केस मान के चलते हैं, v को फाइनल का केस मान के चलते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आप इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग कैसे लिखोगे, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 एंड मासेस m1 एंड m2। हमने दो बॉडी कंसिडर किए हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, और उनका मास कितना कितना है, m1 और m2 है। तो अब उन दोनों ने क्या लगाया है, दोनों आपस में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी जो है चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी की था लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने बताया था कि लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम करते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1 इनटू u1 मास इनटू वेलोसिटी होता था फॉर्मूला, और दूसरी बॉडी का क्या आ जाएगा, m2 इनटू u2। पूरे सिस्टम का अगर देखें तो दोनों बॉडी को हम पूरे सिस्टम एक ही सिस्टम में कंसीडर करके चल रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम टी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 v1 plus m2 v2, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस फोर्स से ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स ये बॉडी लगाएगी इसके ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस वन के ऊपर जो टू की वजह से फोर्स लगा है वो बराबर और अपोजिट होगा किसके, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये वन के ऊपर लगने वाला फोर्स है, लगा कौन रहा है, सेकंड बॉल लगा रही है, ये सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, फर्स्ट बॉल रही है, बॉल बोल दो, बॉडी बोल दो, एज यू विश, ठीक है। तो अब फोर्स का फॉर्मूला आपने सीख रखा था, क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के फॉर्मूले में आपने सीखा था F=ma सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, और क्या सीखा था, F=dp/dt, ये भी पढ़ा था ना, F=dp/dt फोर्स का फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज
directly proportional to the external applied force. ये study के अंदर कितना linear momentum में change आया है time के साथ साथ, वो इस बात पे depend करता है कि इसके ऊपर force कितना लगा है. तो F12 की अगर आप definition बताओगे तो क्या हो जाएगा, m into में इसकी velocity में क्या change आया है, पहले u1 थी अब क्या हो गई है, v1 हो गई है, v1 minus u1 by में t. या ये मैंने shortcut ले दिया, अगर आप सीधे पूरा ही formula लिखो तो ये पहली body का final momentum कितना हो गया, m1 v1, initial momentum कितना था m1 u1, time कितना लगा इसको change होने में, t time लगा. ठीक है, तो जो अपना फोर्स है, फोर्स क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज डीपी. डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम, टाइम कितना है, टी टाइम लिया हमने, 0 से टी तक मान लेते हैं टी टाइम का चेंज आया अपने में. इसको कैसे लिखोगे, सेकंड बॉडी में क्या आया है चेंज, m2 v2 फाइनल मोमेंटम, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, और इसको चेंज होने में मान लेते हैं कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा भाई. ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दी हमने. अब t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, इसको हम यहां पर करते हैं सोल्व. क्या ये है अपने पास इक्वेशन, m1 v1 माइनस में m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस में m2 u2. ये इक्वेशन आ गया आपके पास. अब हम क्या करते हैं, m1 v1 माइनस में m1 u1, ब्रैकेट साइन को ओपन करोगे तो नेगेटिव साइन आगे जाएगा, तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस वालों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा. तो अपने पास कुछ ये इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, ओके. अब हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस वाली टर्म है उनको इस साइड ले आते हैं, और मींस v वाली टर्म को एक साइड ले जाते हैं और u वाली टर्म को इधर ले आते हैं. तो ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का. तो क्या बन जाएगा, ये m1 v1 प्लस m2 v2. ये क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. अगर आप इसका एक दो लाइन और यहां पर बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने तो सीधा लिख दिया इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. आप इसमें क्या लिख सकते हो, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. फर्स्ट बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 u1. फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल कितना आ जाएगा, m1 v1. सेकंड बॉडी का इनिशियल क्या आ जाएगा, m2 u u2. फाइनल क्या आ जाएगा इसका, m2 v2. ठीक है, और फिर पूरे सिस्टम का लिख दो. ठीक है, कर लेंगे ऐसे, ओके. और अगर आप ये इसका अलग अलग ना लिख के सीधा ये लिख दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है इतना, तो कॉमन सी बात है. ओके बेटा, अब ये देखो ये क्या आया है, ये क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. ये क्या आया है, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी. ये सेकंड बॉडी का है फाइनल लीनियर मोमेंटम. अच्छा जी, ये किसका आया है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. ये इनिशियल है, ये दोनों क्या थे, फाइनल फाइनल. ये क्या आया है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी. मींस क्या हुआ, ये फाइनल मोमेंटम आ गया भाई, ये फाइनल मोमेंटम आ गया किसका, पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम आ गया है ये अपने पास. फाइनल लीनियर मोमेंटम आया किसका, पूरे सिस्टम का. और ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम आया है किसका, पूरे सिस्टम का. इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का आ गया ये अपने पास. ठीक है, तो यही तो हम कहते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, हमने क्या कहा था कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. मींस जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम है उतना ही कितना क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा. ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी. ठीक है, ओके. तो अब इसके अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अगर आप डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल लेने की सोचो, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको थोड़ा सा फील करने की या अच्छे से समझने का एग्जांपल कोई सोचो, तो वो क्या हो सकता है. उसके लिए जैसे हमने सीखा था अभी रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला केस लिया था, तो रिकॉइलिंग ऑफ गन वाले केस में आप बता सकते हो कि स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में आपने जब गन पकड़ रखी है तो गन और बुलेट दोनों क्या है, इनिशियल में है, दोनों इनिशियल में है तो उन दोनों का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो है दोनों का, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लॉ को प्रूव करने के लिए अपने फाइनल लीनियर मोमेंटम भी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। फाइनल भी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो फाइनल भी जीरो कब हो सकता है, जब आपने देखा कि गन क्या, गन और बुलेट दोनों स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट में थी। अब बुलेट तो जा रही है आगे की तरफ और गन जा रही है पीछे की तरफ, दोनों का फाइनल जब आप निकालोगे तो बुलेट गई आगे, मींस वेलोसिटी क्या है, कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इस साइड वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस साइड वेलोसिटी को आपने क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये बुलेट तो गई आगे की तरफ, इसको आपने मान लिया पॉजिटिव, और गन गई है पीछे की तरफ, इसको आपने मान लिया नेगेटिव। तो ये दोनों का सम अब कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि इनिशियल मोमेंटम अपना जीरो था, स्टार्टिंग में दोनों में रेस्ट में थी ना, दोनों रेस्ट में थी, तो यू वन यू टू दोनों क्या है, जीरो। तो इस साइड अगर जीरो आई तो फाइनल साइड भी आपको क्या करनी पड़ेगी, जीरो करवानी पड़ेगी। तो वो जीरो करवाने के लिए जितना मोमेंटम इसने आगे की तरफ बुलेट ने लगाया है उतने मोमेंटम से गन क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो उस तरह से टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस अगर आप लेके चलो तो वो होस पाइप वाला केस भी आप लेके चल सकते हो कि स्टार्टिंग में जो वाटर है वो रेस्ट में है, पाइप भी रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। और फाइनल मोमेंटम भी जीरो रखना है पूरे सिस्टम का, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जीरो करना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम जीरो कब कर सकते हो, तो वाटर तो जा रहा है आगे की तरफ तो उस वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव मान लिया, पाइप जा रहा है पीछे की तरफ, पाइप की मोमेंट ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन को आपने क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, दोनों दोनों का जो सम है वो नेट क्या आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप इसके लिए क्या लेके चल सकते हो, जैसे रॉकेट है, रॉकेट प्रोपल्शन का केस आपने सुना है, मीन्स रॉकेट जब फ्लाइट करता है तो स्टार्टिंग में जो फ्यूल है उसके अंदर तो वो भी क्या है, और वो भी रेस्ट में, और जो रॉकेट है वो भी किसमें है, रेस्ट में, मीन्स फ्यूल ने बर्न करना स्टार्ट नहीं किया तब तक, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या हो गया, जीरो। अब जब वो प्रोपल्शन करना स्टार्ट कर देता है, वो फ्लाइट लेना शुरू कर देता है रॉकेट, तो आपने देखा कि रॉकेट मीन्स हॉट गैसेस रॉकेट से बाहर आते हुए दिखाई देंगे, धुआं सा हॉट गैसेस आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रही है, तो वो जिस स्पीड से पीछे की तरफ आई है उतनी स्पीड से अब रॉकेट क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से टोटल मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, अगेन टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये कुछ है कि केसेस थे किसके, ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से जो अपना चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी के सभी टॉपिक्स के हमने न्यूमेरिकल साथ के साथ डिस्कस किए हैं। इसके जो लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।